दोस्तों, आज के इस एपिसोड में दुनिया भर में धरती पर बने विचित्र और रहस्यमय गड्ढों के बारे में बात करेंगे। इनमें से कुछ गड्ढे इंसानों ने बनाए हैं तो कुछ प्राकृतिक तौर पर बने हैं, पर सभी से जुड़ी कहानी बेहद दिलचस्प है। आज हम साइबेरिया के रहस्यमय गड्ढे से लेकर ओक टापू के खजाने से भरे होल तक का सफर तय करेंगे। साइबेरिया में बना रहस्यमय गड्ढा। साइबेरिया के यमल नामक इलाके में अचानक ही एक दिन 200 फीट गहरा गड्ढा देखा गया। यह गड्ढा कैसे बना किसी को नहीं पता था, पर आज यह एरिया अपने रहस्यमय सिंक होल के कारण मशहूर हो चुका है। वह जुलाई का वक्त था जब रेनडियर्स के चरवाहों ने अचानक बन गए इस गहरे गड्ढे को देखा और वे डर गए। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि लगभग 80 मीटर के व्यास वाला यह गड्ढा अकेला नहीं था। आगे चलकर ऐसे और भी गड्ढे पाए गए। इसकी जांच की गई तो एक विचित्र बात सामने आई। यमल के इस गहरे गड्ढे में विस्फोट हुआ था, क्योंकि मिट्टी और चट्टानों के टुकड़े इससे निकलकर 120 मीटर दूर तक जा गिरे थे। बाद में वहां ऐसे दो और गड्ढे देखे जाने की पुष्टि की गई। मुश्किल ये थी कि इस घटना को किसी भी कारण से नहीं जोड़ा जा सकता था। लोगों ने माना कि यह आसमान से गिरी किसी उल्का या धरती में आए किसी भूकंप की वजह से हुआ होगा, पर वहां ना तो कोई भूकंप आया था और ना ही कोई बहुत बड़ी उल्का आसमान से गिरी थी। ज्यादा हलचल हुई तो रूसी वैज्ञानिकों ने इसकी जांच के लिए एक टीम गठित की। वे गड्ढे की गहराई में उतर गए। टीम ने पाया कि नीचे की दीवारें गीली थीं और पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ था। गड्ढे के चारों ओर धूल की गहरी परत जमी हुई थी, जो कि जाहिर था कि विस्फोट के साथ बाहर आई थी। हालांकि क्रेटर देखने से लग रहा था कि मानो कोई वस्तु अंदर से बाहर निकलकर गई हो, मानो धरती के अंदर से किसी अनजान ताकत ने इसे बाहर किया हो। आगे इस गड्ढे पर शोध जारी है, लेकिन अब तक इसके बनने का कोई भी कारण पता नहीं लग पाया है। केटीबी सुपर डीप बोर होल। सितंबर 1990 दक्षिणी जर्मनी में एक बड़ी ड्रिलिंग मशीन के जरिए वैज्ञानिकों के एक समूह ने धरती में एक बहुत ही गहरा होल बनाने की शुरुआत की। इनका मकसद धरती में एक गहरा होल बनाते हुए धरती की कोर तक पहुंचना था। इस प्रोजेक्ट को केटीबी बोर होल नाम दिया गया। ड्रिलिंग करते हुए वैज्ञानिक धरती में लगभग 6 मील गहरा गड्ढा बना पाने में सफल हुए, जिसमें उन्हें धरती की गहराई में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स और उबलते हाइड्रोजन से होकर गुजरना पड़ा। वे ड्रिल करते हुए धरती के उस गहरे भाग तक पहुंच गए जहां का तापमान 315 डिग्री सेल्सियस था। वैज्ञानिक इतनी गहराई तक ड्रिलिंग करने के बाद धरती के अंदर के कई राज जान पाने में भी सफल हुए, जिसमें उन्होंने धरती के नीचे मौजूद एक ऐसी चट्टान को छुआ जो 2.5 अरब साल पुरानी थी। इसके साथ ही वे धरती की कोर से आती आवाज भी रिकॉर्ड कर पाए। माना जाता है कि ये धरती की कोर की सबसे नजदीक रिकॉर्ड की गई आवाज थी। केटीबी बोरहोल अकेला ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जिसमें धरती पर इतने गहरे होल्स किए गए, बल्कि रूस, अमेरिका और दूसरे देशों में इसी तरह के होल्स किए जा चुके थे। बाद में फंडिंग रुक जाने की वजह से वैज्ञानिकों ने इस पर काम करना बंद कर दिया और धरती के कोर को छूने का सपना अधूरा रह गया। इंडियाना ड्यून्स नेशनल पार्क में बने रहस्यमय गड्ढे। 2013 में इंडियाना ड्यून्स नेशनल पार्क में घूमता हुआ एक 6 साल का बच्चा अचानक से बने रेत के गड्ढे में धंस गया। 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वो लड़का रेत में 11 फीट नीचे से निकाला गया। ये गड्ढा अकेला नहीं था जो पार्क में अचानक से बना था, बल्कि इसके एक के बाद एक गड्ढे इस तरह से बनने लगे। इस घटना के बाद जियोलॉजिस्ट हैरान रह गए, क्योंकि इस तरह के गड्ढे बनने का कोई भी कारण उनकी समझ नहीं आ रहा था। इसके पीछे का राज जानने के लिए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का भी प्रयोग किया गया, लेकिन उससे भी इन गड्ढों का कोई सुराग नहीं मिला। ये गड्ढे रहस्यमय तरीके से बनते और एक दिन बाद खुद से मिट जाते थे। बाद में आकर ऐसे गड्ढों की संख्या इतनी बढ़ गई कि सुरक्षा को देखते हुए जगह को प्रतिबंधित कर दिया गया। ये गड्ढे तभी से इतिहास में एक रहस्य बनकर रह गए। चांद बावड़ी। 9वीं शताब्दी में बनी इस बावड़ी का निर्माण
राजा मिहिर भोज ने करवाया था। दुनिया की सबसे गहरी यह बावड़ी चारों ओर से लगभग 35 मीटर चौड़ी है और इसमें ऊपर से नीचे तक पक्की सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिसमें पानी का स्तर कितना भी हो आसानी से भरा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह बावड़ी एक रात में तैयार हुई थी। 13 मंजिला यह बावड़ी 100 फीट से ज्यादा गहरी है, जिसमें भूल भुलैया के रूप में 3500 सीढ़ियां हैं। इसके ठीक सामने हर्षद माता का मंदिर है। एकदम दूधिया सफेद रंग की तरह दिखाई देने वाली यह बावड़ी अंधेरे उजाले की बावड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। 3 मंजिला इस बावड़ी में कई गुप्त कमरे और सुरंगें मौजूद हैं। इसकी तह तक जाने के लिए 13 सोपान और हजारों सीढ़ियां बनाई गई हैं, जो कि कला का अप्रतिम उदाहरण पेश करती हैं। स्तंभ युक्त बरामदों से घिरी यह बावड़ी चारों ओर से वर्गाकार है। इसकी एक खासियत यह है कि बावड़ी में नीचे उतरने वाला व्यक्ति वापस उसी सीढ़ी से ऊपर नहीं चढ़ सकता। चांद बावड़ी में कई हॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हो चुकी है, जिसमें बैटमैन द डार्क नाइट राइजेस का अंधेरे कुएं वाला सीन यहीं फिल्माया गया था। ओक आइलैंड पर मिला ऐसा गड्ढा जिसमें हो सकता है खजाना। महज 140 एकड़ में फैला ओक टापू अब तक की सबसे बड़ी खजाने की खोज की जगह रहा है। इस द्वीप पर खजाने की खोज के लिए दुनिया भर के जाने माने खोजी दल पहुंच चुके हैं। ओक टापू में सबसे पहले 1795 में खजाने की खोज शुरू की गई, जब 18 साल के डैनियल मैकिंग्स ने इस द्वीप से आती रोशनी को देखा। डैनियल ने देखा कि पेड़ों से घिरे ओक टापू का एक हिस्सा अचानक से पूरी तरह से साफ और मैदानी दिख रहा था, जिसके बीचों बीच एक गहरा और अंधेरा गड्ढा था। उसके पास ही खराब हालत में पुरानी सी दिखने वाली गिरनी और रस्सी लटकी हुई थी। इसके बाद डैनियल अपने दो दोस्तों के साथ उसी जगह लौटकर आया। तीनों दोस्तों ने रहस्यमय गड्ढे की खुदाई शुरू कर दी। कुछ फीट खुदाई करने के बाद उन्हें पत्थर की दीवार मिलने लगी, जिस पर पहले की खुदाई के निशान मौजूद थे। तीनों दोस्तों को तब और ज्यादा हैरानी हुई जब 10 फीट खुदाई के बाद उन्हें पेड़ों के लट्ठे की एक परत मिलने लगी। 30 फीट की गहराई तक खोजने के बाद तीनों दोस्त थक गए और उन्होंने अपनी खुदाई को अधूरा छोड़ दिया। इस खुदाई के बाद ओक आइलैंड में ज्यादा बड़ी और आधुनिक खुदाइयां होने लगी। सबका मानना था कि ओक द्वीप में एक शापित खजाना मौजूद है, जिसका दरवाजा इस रहस्यमय गड्ढे से खुलता है। पिछले 200 सालों से इस खजाने की खोज जारी है, पर यह अभी तक किसी को नहीं मिला। दुनिया का सबसे कीमती और खतरनाक गड्ढा। पूर्वी साइबेरिया में डायमंड सिटी के नाम से मशहूर मीर मैन का गड्ढा दुनिया का सबसे महंगा और कीमती गड्ढा है, जिसकी कीमत अरबों रुपए में है। वास्तव में यह दुनिया के सबसे खतरनाक गड्ढों में से एक है। इस गड्ढे की कीमत करीब 1133 अरब रुपए है। दरअसल यह गड्ढा रूसी कंपनी अलरोसा की एक खदान है। इस खदान की गहराई 1722 फीट है और इस गड्ढे का घेरा करीब 3.5 किलोमीटर का है। इस गड्ढे को इसलिए खतरनाक माना गया है क्योंकि यह आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर्स को अपनी तरफ खींच लेता है। इस खान से हर साल औसतन 2,00,000 कैरेट के हीरे निकलते हैं, जिनकी कीमत लगभग 20 मिलियन पाउंड होती है। इस गड्ढे के आसपास की खदानों में से दुनिया के रफ डायमंड्स के करीब 23% हीरे निकलते हैं। इन खदानों से इतने हीरे निकलते हैं कि इनकी बदौलत सोवियत रूस एक खस्ता हाल अर्थव्यवस्था से दुनिया की सुपर पावर बन गया। इसके अंडरग्राउंड टनल से 2014 में 6 मिलियन कैरेट रफ डायमंड मिले। रूसी कंपनी अलरोसा दुनिया में कुल उत्पन्न हीरों की चौथाई संख्या उत्पादित करती है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले एपिसोड आप लोग मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।